वाणी नगर परिषद के कार्यालय में पल्लवी हुमने, सहायक कर निरीक्षक प्राची लांकीवार और मनोहर वानखड़े लिपिक उपस्थित थे। 4 अगस्त की दोपहर को प्रहार पार्टी के कार्यकर्ता अमित ताड़े ने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बिना अनुमति एक महिला अधिकारी के कमरे में प्रवेश किया। उनका इरादा नगर परिषद में काम करने वाली महिलाओं का अपमान करना था। इसी के तहत उन्होंने कोरोना काल में 15 से 20 नागरिकों को एकत्रित कर सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर कार्यालय को परेशान करने का प्रयास किया। यह मांग की गई है कि कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि घटना कार्यालय अनुशासन के अनुरूप नहीं थी, ताकि आगे भविष्य में इस कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशानी न हो। घटना के बाद सभी नगर परिषद कर्मचारियों ने कार्यकर्ता अमित ताड़े और अन्य साथियों के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। अगर ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, तो नगर परिषद कर्मचारी नागरिकों का काम कैसे करेंगे, ऐसा सवाल खड़ा किया गया है। वाणी नगर परिषद कर्मचारियों ने वाणी नगर परिषद मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारीवाले और वाणी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप सूर्यवंशी को दिए ज्ञापन में मांग की है कि उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि कार्यालय में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। नगर परिषद जोर दे रही है कि एक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को परेशान करने की मंशा से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान रत्नमाला फेटिंग, पल्लवी हुमने, प्राची लांचीवार, सुषमा भालेकर, माधवी भिलाविकर, धनंजय गोतमारे, चेतन तुरंकर, अशोक बोटे, शैलेश आदिवाड़ेकर, नंदन गेड़ा, रोहित चिलारी, अभिजीत हांडे, योगेश जागीरदार, लक्ष्मण ढोरे, अशोक जाधव, भारत ढोके, पिंकेश चकोली, आनंद भगत, प्रीति बरवाल, कमलेश तिजारी, लकी सोनकर, इंद्रजीत इरपाती और अन्य ने विरोध किया है। मैं लक्ष्मण ढोरे, नगर परिषद वाड़ी कार्यालय यूनियन उपाध्यक्ष म्हणून आज नगर परिषद वाड़ी कार्यालयामध्ये महिला अधिकाऱ्याशी घडलेल्या प्रकाराबद्दल निषेध करतो। आज काही गावातील कार्यकर्त्यांनी कार्यालयामध्ये येऊन महिला अधिकाऱ्यांना धमकावून बडजबरीने कामे करून घेण्याचा प्रयत्न केला, तसेच कार्यालयात कामामध्ये अडथळा निर्माण केला। सदर बाब ही अशोभनीय व महिलाकरिता गैरवर्तणुकीची आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही संबंधित कार्यकर्त्यावर गुन्हा दाखल होईपर्यंत काम बंदचा इशारा माननीय मुख्याधिकारी व माननीय पोलीस निरीक्षक वाडी यांना दिलेला आहे। असा प्रकार यानंतर भविष्यात कर्मचाऱ्यासोबत होऊ नये याची वरिष्ठांनी दखल घ्यावी, अशीच आमची विनंती आहे। त्यांनी आमच्यावर दबाव आणला, आम्ही नाकारलं, त्यामुळे ते ओरडायला लागले आणि आम्ही दोघीच होतो, मी आणि लांजेवार मॅडम, अपशब्द बोलले, खूप बोलले आणि खूप मोठ्या आवाज आणि खूप अतिशय म्हणजे जवळ आले तर अगदी आम्ही त्यांना सांभाळण्याचा प्रयत्न केला, पण ते सांभाळले नाहीत, म्हणजे बोलू लागले। हा सगळा प्रकार झाला, त्याच्यामुळे आम्ही माननीय मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं की असा प्रकार पुढे घडू नये, तसंच पोलीस कार्यवाही करण्यात यावं, असं आम्ही आज त्यांना निवेदन दिलं। बीसीएन न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।